यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, एक संख्या में 84 की वृद्धि, ये 84 की वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं का 107 हो जाता है, स्वयं का 107 हो जाता है। जो संख्या में 84 वृद्धि की जाती है वो स्वयं का 107 हो जाता है। तो हमें तो पता है 100% कितना होता है, 100%, इसमें कितना परसेंट अलग से आ गया, 7%। मतलब जब 7% वृद्धि की जाती है तो 84 वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, स्पष्ट है, क्या चीज़ यहाँ पे स्पष्ट है, जब 7% बढ़ा तो कितना नंबर बढ़ता है, कितना अंक बढ़ जाता है, 84 बढ़ जाता है। ठीक है, 84 की वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं का 107 हो जाता है। 100 तो पहले ही होता है, 100% तो पहले ही होता है, उसमें 7% एक्स्ट्रा, 107 है तो 7 अलग से है। मतलब 7% इंक्रीमेंट हुआ, 7% वृद्धि हुआ तो 84 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर अगर 1% हो जाता तो कितना हो जाता, कम है कि नहीं, यहाँ से कम है, कम है तो क्या करेंगे, भागा 84/7 करेंगे। ठीक है यहाँ तक, उसके बाद 100%, तो वो नंबर क्या है, यहाँ पे क्या बोलता है, वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, संख्या मतलब 100%, 100% है तो 100, अगर ये फिर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 84/7 × 100, अब ये दोनों को जब गुना और भागा करेंगे तो कितना हो गया, 1200। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गई होगी, चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में क्या आप देख सकते हैं, किसी संख्या का 32% उसकी संख्या के 17% से 120 अधिक है। मतलब 32% किसी संख्या का 32%, सपोज मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है, चलिए ले लेते हैं पहले, माना संख्या क्या है, संख्या x है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्या है, 32% उस संख्या की, मतलब x का 32%, उसके बाद 17 से 120 अधिक है, मतलब ये दोनों का अंतर कितना है, 120। जो संख्या का 32% वही संख्या का 17%, ये दोनों का अंतर क्या हो गया, 120। 100 अधिक है, 120 कम है, इसका मतलब ये दोनों का अंतर जो होता है वो 120 है, माइनस एक्स का 17%, 17% इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, 120। अब जब ये सॉल्व करेंगे, ये हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स। तो संख्या का मान क्या है, संख्या का मान निकालना है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स इंटू का गुना हो गया 32/100 माइनस एक्स इंटू 17/100 इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लॉस ऑफ 100 तो 100 आ गया, 32 × x माइनस 17 × x इज इक्वल टू 120। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों गुना कर देंगे, ये दोनों अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 15 x इज इक्वल टू 120000। अब ये भागा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 120000/15, देयरफॉर x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 800। तो मान क्या हो गया यहाँ पर, 800। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी ये दो क्वेश्चन जो मैंने आज की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी वीडियो आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अंतिम तक देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।